حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम इस्लामी नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इस मुख्तसर से खुतबे जुमा के अंदर इंशाअल्लाह जिस उन्वान पे आप तमाम भाइयों से गुफ्तगू करने वाला हूँ, उन्वान है फ़रिश्तों के ताल्लुकात सआदतमंदों के साथ। फ़रिश्तों के ताल्लुकात सआदतमंदों के साथ कैसा होता है, इंशाल्लाह इस उन्वान पे चंद मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये जाने कि फ़रिश्ते हैं कौन। चूँकि फ़रिश्तों पर ईमान लाना ये हमारे ईमान के अरकान में से एक बुनियादी रुकन की हैसियत रखता है, तो फ़रिश्तों के बारे में पूरा तफसील के साथ तो इस खुतबे जुमा के अंदर नहीं बयान करना मुझे। फ़रिश्ते कौन है, बुनियादी चीज़ नंबर वन ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूरानी मखलूक है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नूर से बनाया है। सिर्फ फ़रिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है, और हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से बनाया है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर। फ़रिश्तों की जो तख्लीक की गई है, फ़रिश्तों को जो बनाया गया है वो नूर से बनाया गया है, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है, और इंसानों को अल्लाह ताला ने उस चीज़ से बनाया है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत का तर्जुमा है। तो पहले ये कि फ़रिश्ते ये नूरानी मखलूक हैं, दूसरी फ़रिश्ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंतहाई मुअज़्ज़र और मुकर्रम बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इनका बहुत ही ज़्यादा ऊंचा दर्जा है। खुद कुरान करीम ने इस बात की शहादत दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया कि ये मुशरिकीन लोग फरिश्तों की इबादत करते, कुछ कहते ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, अल्लाह की सिफारशी हैं। अल्लाह ने कहा बल नहीं, ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ नहीं हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम धाम में शरीक नहीं है, पैटर्न नहीं है, बल्कि क्या है, इबादु मुकरमून,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबाद हैं, बंदे हैं, मुकरमून, जिनकी इज्जत की जाती है, बाइज्जत लोग हैं, मुकर्रम और मुअज्जज तरीन गिरोह का नाम फरिश्तों का फरिश्ते हैं। तो ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतहाई मुअज्जज तरीन बंदे हैं। इसी तरह फरिश्तों के मामले में एक चीज़ ये भी जानना चाहिए कि फरिश्ते एक ऐसी मखलूक का नाम है जो हर लम्हा, हर पल वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बंदगी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। उनका पूरा काम, उनके ज़िंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनके सिपुर्द किया है करने के लिए उस पर डटे रहते हैं, और जिन कामों से अल्लाह ने रोक दिया है बिल्कुल उससे बाज रहते हैं। अल्लाह की नाफरमानी एक लम्हे के लिए नहीं करते, एक सेकंड को 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाए जो हिस्सा बनता है उतना भी, उतनी देर भी फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नाफरमानी का जो जज्बा है, नाफरमानी का जो मादा है, नाफरमानी का जो रुझान है उनके अंदर अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह तहरीम के अंदर इरशाद फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, जहन्नम के ऊपर जो फरिश्ते हैं उनकी कैफियत क्या है, अलैहा मलाइकतुन, इस जहन्नम की निगरानी करने वाले फरिश्ते हैं, गिलाज़ुन शिदाद, गिलाज़ यानी नरमी नाम के, नरमी नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं है, गिलाज़ बहुत सख्त हैं, और शदीद मतलब मजबूत हैं, सेहत के अतबार से, बदन के अतबार से, ताकत के अतबार से ये शदीद हैं, और गिलाज मतलब ये है कि उनके दिलों से नरमी का मादा, शफकत का मादा, रहम का मादा, तरस का मादा अल्लाह ने निकाल के फेंक दिया है। तरस खाने वाले फरिश्ते नहीं हैं, कोई रोएगा, चिल्लाएगा, कोई भागने की कोशिश करेगा, उसके दर्द को देख करके, उसकी तकलीफ को देख करके रहम का जाए, जहन्नम के फरिश्ते ऐसे नहीं हैं। तो गोया यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि फरिश्ते कुछ ऐसे भी होते हैं जो अजाब के लिए मुकर्रर होते हैं, जो अल्लाह के नापसंदीदा बंदों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को तोड़ने वाले बंदों को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया है, और उनके अंदर रहम का मादा नहीं होता। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने उनको जो काम दिया है ना उस काम में वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तमाम फरिश्तों का मामला है, चाहे वो जहन्नम की निगरानी करने वाले हों, चाहे जन्नत के मेजबान हों, चाहे वो उनके ऊपर जो भी ड्यूटी और जो भी जिम्मेदारी लगाई गई है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जिनको जो हुक्म दे दिया गया दिया है, उनके काम जो उनके जिम्मे जो काम लगा दिया है उस काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते। वहुम यफालून मा युमरून, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने ताकीद के तौर पर कह दिया है कि वो काम करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है। तो ये गोया फरिश्तों की सिफात में बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते। तीन चीज़ें मैंने बताया, ये नूरानी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ऊँचा दर्जा इनका है, मुकर्रब तरीन अल्लाह के बंदे हैं, बाइज्जत बंदे हैं, और तीसरा ये पलक झपकने के बराबर भी वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। इन फरिश्तों की तादाद अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता है, इन फरिश्तों की तादाद जो है, कितने फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को नहीं पता है, और बहुत सारे फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग ड्यूटी दे दिया है, अलग अलग जिम्मेदारियां दिया है। फरिश्तों की जिम्मेदारियों में से, फरिश्तों की ड्यूटीज में से एक बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो सआदतमंद बंदे हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनसे अपना ताल्लुकात अच्छा रखें। फरिश्तों की ड्यूटी में ऐसे ही चीज है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए मगफरत की दुआएं करें, उनके लिए रहमत की दुआएं करें। और चूंकि मैंने पहले कह दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन फरिश्तों के सिपुर्द जो काम लगाया है उस काम में वो लगे रहते हैं, तो कुछ फरिश्तों के अल्लाह रब्बुल आलमीन से ड्यूटी लगा दिया है, उनके कुछ और काम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बुनियादी काम ये है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनसे हसीन ताल्लुकात कायम रखें, उनके साथ रहम और शफकत का मामला करें, उनके साथ खैरख्वाही का मामला करें। अब हमें ये देखना है कि फरिश्तों के ताल्लुकात अल्लाह की नेक बंदों के साथ कैसे होते हैं, क्या क्या ताल्लुकात में आता है, और दूसरी ये हमें ये देखना है मेरे भाइयों आज की खुतबे जुमा के अंदर कि कौन है वो सआदतमंद,
कौन है वो अल्लाह के नेक बंदे, कौन है वो खुश नसीब बंदे जिनसे हसीन ताल्लुकात, बेहतरीन ताल्लुकात, खैर खाही वाला ताल्लुक अल्लाह के नेक बंदे फरिश्ते रखते हैं। ये कौन खुश नसीब आए? क्या हमारा आपका नाम उन खुश नसीबों के अंदर शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो या कुछ सिफात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें या जिनके अंदर वो पैदा हो जाएं तो अल्लाह के नेक फरिश्ते, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते ऐसे लोगों से ताल्लुकात बहुत अच्छा रखते हैं। फरिश्तों के ताल्लुकात सआदतमंदों के साथ कैसे हैं? नंबर एक वो ये है कि तमाम फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं, यानी गुस्से वाला मामला नहीं, शफकत का मामला, रहम का मामला और मोहब्बत का मामला करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ को बयान फरमाया हदीस कुदसी के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इदा अहब्बल्लाहु अब्दन, बंदा ज़मीन पर है और अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अर्श पर मुस्तवी होते हुए जब अल्लाह ताला ज़मीन के किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो क्या करता अल्लाह ताला? नादा जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है, अल्लाहु अकबर। देखिए बंदे का ताल्लुक, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो खुश नसीब बंदे होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनका ताल्लुक कितना मजबूत अल्लाह से होता है कि ज़मीन पर रहते हुए अर्श से उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है, अर्श वाले से उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्ते जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील इधर आओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला उस जिब्रील से कहते हैं कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ गांव में मेरा एक बंदा है, उसका नाम फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है, अल्लाह उसे मोहब्बत करता है। हाँ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं बल्कि अल्लाह ताला कहता है उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, तुम भी उसे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। फयुहिब्बुहु जिब्रील, फजिब्रील अलैहिस्सलाम उसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और उसके बाद यही नहीं मामला ख़त्म होता है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? फयुनादी जिब्रील फी अहलिस समा, आसमान वालों में जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं। आसमान में कौन है? फरिश्ते ना। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार आसमान में आवाज़ देते हैं और कहते हैं ऐ आसमान वालों इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन, अल्लाह ताला अपना फला बंदे से मोहब्बत करता है, उसका नाम अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम मेंशन करते हैं, उस आदमी का नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सामने बयान करते हैं। देखो फला इलाके में, फला कंट्री में, फला जगह एक अल्लाह का बंदा है जिसका नाम फला इब्ने फला है, अल्लाह ताला उसे मोहब्बत करता है और उससे जिब्रील भी मोहब्बत करता है। तो ऐ फरिश्तों की जमात, ऐ जमी आसमान वालों की जमात, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, तुम सब उसे मोहब्बत करो। और उसके बाद सारे फरिश्ते उस एक बंदे से जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है सब मोहब्बत करने लग जाते हैं, और वो मोहब्बत फिर वहीं नहीं ख़त्म हो जाती आसमान पे, फिर वह मोहब्बत ज़मीन पे फैल जाती है, ज़मीन में आवाज़ दी जाती है कि देखो फला एक अल्लाह का बंदा है, अल्लाह उसे मोहब्बत करता है, जिब्रील उसे मोहब्बत करते, आसमान वाले फरिश्ते उसे मोहब्बत करते, अरे ज़मीन वाले तुम भी उसे मोहब्बत करो। और सारे के सारे अल्लाह के जो नेक बंदे होते उस नेक बंदे से मोहब्बत करने लग जाते, चाहे उस बंदे को देखे हो चाहे ना देखे हो। अबू हुरैरा को देखें आप, अबू बकर को देखें, उमर को देखें, उस्मान को देखें, अली को देखें, अशर मुबशरा को देखें, साहबे कराम को देखें, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखें, इमाम बुखारी को देखें, नहीं देखें लेकिन मोहब्बत है नहीं कि दिल में, मोहब्बत है दिल में कि नहीं, यही इस बात की निशानी है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने नहीं देखा फिर भी मोहब्बत है, और ये ऐसा नहीं ज़बरदस्ती वाला मोहब्बत है, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दिया है। इसलिए कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसके सीने के अंदर अपने नेक बंदों की मोहब्बत को डाल देता है, चाहे वो बंदा उसे देखा हो या ना देखा हो। इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से इतनी मोहब्बत करते कि उनके खिलाफ जरा कोई बोल के बताए, अपने जज्बात से आदमी खेल जाता है, जज्बात से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये गोया पता ही चला मेरे भाइयों कि जो सआदतमंद लोग होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों के ज़ुमरे में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह ताला जिब्रील मोहब्बत करे, फरिश्ते फरिश्तों की जमात मोहब्बत करे और अल्लाह ताला तुम मोहब्बत करने लग जाए। तो एक नौयत ताल्लुक ये है कि फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और दूसरी नौयत ये है कि फरिश्ते मोहब्बत करके ख़त्म नहीं, दूसरी मोहब्बत का तकादा दूसरा ये होता है कि उस आदमी के लिए अल्लाह ताला से दर्जात की बुलंदी के लिए, गुनाहों की मगफरत के लिए, गुनाहों से दूर रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाहु अकबर।
अब ज़रा सोचो उस आदमी की खुश नसीबी को, उस आदमी की सआदत मंदी को, वो आदमी किस लेवल का होगा, कितना हाई फाई वो आदमी होगा कि उसकी उसके ऊपर रहमत नाजिल करने के लिए, उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए और उसके गुनाहों से बचाने के लिए अल्लाह की नूरानी मखलूक, अल्लाह की मासूम मखलूक, फरिश्ते अल्लाह से दुआ करें। वो आदमी कम हैसियत का नहीं है, वो बहुत हैसियत का है। घर जो लोग दुनिया वाले उसको कम हैसियत का समझे, उसको कोई हैसियत न दें या न दें, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह की ज़ात वो है जो तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल करता है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह की ज़ात वो है जो तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल करता है। वह मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते काम करते हैं तुम्हारे लिए, अल्लाह से रहमत की दुआएँ करते हैं। हम सोते हैं तो भी फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदे चलते फिरते सोते जागते कहीं भी रहें, उनको एहसास होता हो या ना हो कि मेरे लिए कोई दुआएं करता है, लेकिन फरिश्ते गायबाना तौर से अल्लाह ने उनके जिम्मे जो ड्यूटी लगा दिया वो दुआएं करते रहते हैं। इसलिए हमारे गुनाह ऐसे हैं कि उन गुनाहों की बेस पे हमको ऑक्सीजन का हक नहीं पहुंचता है। हमारे गुनाह, लोगों के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि एक पानी कतरा भी उनके हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी जाता है, खाता है आदमी, पच जाता है। इसमें बहुत सारे असबाब हैं, जिनमें बुनियादी सबब यह है कि फरिश्तों की दुआएं भी हमारे साथ शामिल हाल हैं। फरिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआएं करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उम्मीद तो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों की रहमत के दुआओं के मुस्तहिक हम भी हैं। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वह मलाइकतुहु, और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए क्या करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर, और ये भी फरिश्ते दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला ये फला बंदा, अल्लाह ताला इसको कुफ्र के, शिर्क के, बिदात की और गुमराहियों के अंधेरों से निकाल करके तौहीद के रास्ते पे ले आ। अल्लाहु अकबर, ऐसे लोगों के लिए, सआदतमंदों के लिए, हिदायत के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं। तो दूसरी नौयत जो मेरे भाइयों ताल्लुकात की है, मोहब्बत के बाद वो ऐसे लोगों के लिए दुआएं करते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे सिफात हैं या कौन से ऐसे खुश नसीब हैं जिनकी सिफात का तस्करा करके अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला से उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं। किन लोगों के लिए फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं? दुआएं करना तो एक आम बात हो गई है, कॉमन चीज हो गई है, लेकिन खास बात क्या है कि किन किन सिफात के लोगों के लिए, कौन कौन से अमाल करने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं। नंबर एक, जो लोग कुरान हदीस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने को अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद बना लिया है, जो इत्तबाए किताब व सुन्नत के शहदाई हैं, जो अपनी ज़िंदगी में ये तय कर लिए हैं कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया हाथ से छूट जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, कुरान करीम की तालीमात को मैं छोड़ने वाला, लोग दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की लालच में आगे जाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए मैं कुरान को छोड़ दूं, हदीस को छोड़ दूं, सुन्नत को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद, बुनियादी मकसद ये रखा है कि हमें किताब सुन्नत पर मरना है और किताब सुन्नत पर जिंदा रहना है, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही जाएगी, फिर भी कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाएगी, अपना नफ्स है, आजू बाजू वाले हैं और फिर शैतान का अपना टोला है, तो कहीं ना कहीं तो पैर फिसलेगा। इसलिए अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जो किताब व सुन्नत की इत्तबा का दम भरते हैं और उसके शहदाई भी हैं और अपनी जिंदगी का अव्वलीन मकसद रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पैर फिसल जाता है, कहीं गलती हो जाती है, तो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। तो गोया तौबा करने वालों के लिए भी अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, आइए कुरान करीम की आयत देखिए, कितनी जामे आयत है, सूरह मोमिन की आयत है, आयत नंबर 7 और 8। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया, अल्लदीन यहमिलून अल अर्शा, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, जरा इस आयत करीमा पर जरा गौर करें और उन लोगों की किस्मत का जरा आप अंदाजा लगाएं, उनकी सआदत मंदी पर अंदाजा लगाएं जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, और फरिश्तों का लेवल पहले चेक करें। फरिश्ते तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जो जिस एतबार से उनकी ड्यूटीज होती हैं उस एतबार से उनके दर्जात होते हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्शा, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, अल्लाहु अकबर,
यानी अल्लाह के करीब तरीन फरिश्ते, अल्लाह के एकदम पास में रहने वाले फरिश्ते, अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्शा, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, वो मन हौलहू, और वो फरिश्ते जो अर्श के आस पास में हैं, जो अर्श के अतराफ में हैं, वो फरिश्ते क्या करते हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की पाकी बयान करते रहते हैं, अपने रब की पाकी बयान करते रहते हैं, अल्लाह ताला तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तेरे अंदर सारी खूबियां हैं, तू तारीफ के लायक है, दुनिया वाले तारीफ करें या न करें तू तारीफ के काबिल है, ऐसा नहीं है कि दुनिया वाले तारीफ करेंगे तो तू तारीफ के लायक होगा, नहीं तू पहले से तारीफ के लायक है, अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, वो यूमिनून बिही, और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, जो अर्श के अतराफ में फरिश्ते हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ, और मगफरत की दुआएं करते हैं, अल्लाह के मुकर्रर तरीन फरिश्ते मगफरत की दुआएं करते हैं, किसके लिए, उनसे तो गलती हुई नहीं, वो काहे को मगफरत की दुआ अपने लिए करेंगे, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, उन लोगों के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं। एक चीज दोनों में कॉमन हो रही है, फरिश्ते भी अल्लाह पर ईमान रख रहे हैं और ये अल्लाह के नेक बंदे इंसान जो अल्लाह पर ईमान रख रहे हैं, ये ताल्लुक की बुनियाद पर, इस कनेक्शन की बुनियाद पर, वो मुकर्रर तरीन फरिश्ते अहले ईमान के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं गायबाना तौर पे, ड्यूटी अल्लाह ने लगा दिया है, उनका अर्श उठाने के साथ साथ, अर्श के पास में रहने के साथ साथ, उनकी एक ड्यूटी ये भी है कि अल्लाह के जो ईमान वाले बंदे हैं, अल्लाह के जो मोमिन बंदे हैं, अल्लाह के जो सादतमंद बंदे, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहे मगफरत की। और क्या कहते हैं, दुआएं किन अंदाज में करते हैं, अल्लाह अकबर, इतनी तफसील अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, रब्बना, दुआएं किस अंदाज में करते, कहते हैं वसअता कुल्ल शयइन रहमतन व इल्म, ऐ अल्लाह तेरी जात तो वो है जो पूरी कायनात को, चप्पे चप्पे को, जर्रे जर्रे को तूने अपनी रहमतों से ढाक लिया है, हर चीज पर तेरी रहमत है, हर चीज पर तेरा करम है, वह इल्मन, और हर चीज को अल्लाह ताला तू जानता है, तेरे इल्म का वास्ता है अल्लाह, तेरे इल्म का वास्ता है अल्लाह, तेरी रहमत का वास्ता है, तेरी रहमत हर चीज पर घेरे, हर चीज पर है, तो क्या करूं मैं, फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह उन लोगों को माफ, फग़फिर मगफरत कर दे, माफ कर दे, लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों के लिए जो तौबा करने वाले हैं, पहले ईमान वाले हो गया, बाद में तौबा करने वाले, मतलब ईमान के रास्ते पर मर मिटने का तहिया कर लिया है, फिर भी पैर अगर फिसल गए तो क्या करेंगे, फौरन तौबा कर लेंगे। फरिश्तों की दुआओं का हकदार वो सिर्फ वही लोग नहीं है जिनसे गुनाह नहीं होता है, ऐसे लोग तो है ही नहीं दुनिया के अंदर जिनसे गुनाह ना, अंबिया कराम के बाद कौन है जिनसे गुनाह नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं के हकदार वो अहले ईमान होते हैं जिनसे गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, उन लोगों को माफ फरमा दे, ताबू जो तौबा करने वाले हैं, वत्तबऊ सबीलका, और उन लोगों को माफ फरमा दे जो तेरे रास्ते की पैरवी करने वाले हैं, ऐसा नहीं पैर फिसल गया तो अब जानबूझ के फिसला रहे हैं, लड़खड़ा गए तो जानबूझ के गिर गए और बाद में सोचे अरे चल बाद में तौबा कर लेंगे ना, ऐसे नहीं, गलती का एहसास हुआ फौरन यूटर्न ले लेते हैं, ऐसा नहीं चला और आगे जाने दे और आगे जाने दे, अभी तो जवानी है, जवानी में कौन अल्लाह के पास जाता है, बुढ़ापे में जाएंगे, हज करके आएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए रहमत के फरिश्ते दुआएं नहीं करते हैं, फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों को माफ फरमा दे तौबा करते हैं, वह तबाऊ सबीलका, और जो तेरे रास्ते की पैरवी करने वाले हैं, तो एक दुआ ये हो गया कि अल्लाह उनको माफ फरमा दे, उनके गलतियों को दरगुजर फरमा दे, वक़हिम अदाबल जहीम, दूसरा दूसरी दुआ फरिश्ते ये करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के अदाब से बचा ले, अल्लाह वक़हिम अदाबल जहीम, अल्लाह इनको जहन्नम के अदाब से भी बचा ले, और क्योंकि जहन्नम का अदाब ऐसा है जो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए गया वो दुनिया की तमाम नेमतों को भूल जाएगा, दुनिया की तमाम नेमतें भूल जाएगा इंसान, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान को लाएगा, दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान को लाएगा, जिसने कभी दुनिया के अंदर कोई तकलीफ नहीं देखा होगा, कभी उसने दर्द नहीं महसूस किया होगा, कभी उसको कभी नहीं शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ होगा, हर
एतबार से वो खुशहाल था, किसी चीज़ को उसको दुनिया की नेमत के एतबार से कमी नहीं थी, नौकर चाकर एनी टाइम मौजूद, किसी चीज़ का उसको टेंशन नहीं था। उस आदमी को जो दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान था उसको अल्लाह ताला लाएगा और जहन्नम के अंदर एक मरतबा डाल के निकाल लेगा, एक डुबकी लगा, सब कतन का लफ्ज़ है, एक डुबकी मार के निकालेगा अल्लाह ताला और उसे पूछेगा बता दुनिया के अंदर तूने कोई नेमत देखा है, दुनिया के अंदर कोई अच्छा वक्त तेरे पास आया है, दुनिया की कोई अच्छी घड़ी, खुशनसीब घड़ी, अच्छा वक्त तूने कभी देखा है। वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी आराम ही आराम में गुजार दिया होगा, वो आदमी जो पूरी ज़िंदगी राहत ही राहत में गुजार दिया होगा, कभी उसने तकलीफ़ नहीं देखा होगा, फौरन कहेगा अल्लाह यानी राहत किसको कहते हैं, आराम किसको कहते हैं, नेमत किसको कहते हैं, सुकून किसको कहते हैं, अल्लाह ताला मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जबकि वो आदमी क्या है, 60-70 साल इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार के गया है, खुशहाल बनकर ज़िंदगी गुजार के गया है, राहत और आराम की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके गया है, लेकिन एक डुबकी खाने के बाद दुनिया की तमाम नेमतों को आदमी भूल जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं वकीम अदाब अलजहीम, अल्लाह इन तौबा करने वालों को, अल्लाह इन ईमान लाने वालों को, अल्लाह इन अपने रास्ते की पैरवी करने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम के अदाब से बचा ले, क्योंकि जहन्नम का अदाब लिपट जाने वाला है। रब्बना, और तीसरी दुआ सुनिए, रब्बना वादखिलहुम जन्नति अदनिन, अल्लाह तो इन अपने नेक बंदों को ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे जो जन्नत हमेशा रहने वाली है, हमेशगी वाली बागात के अंदर अल्लाह इनको दाखिल कर दे। अल्लती वादतहुम, जिनका तूने ईमान की बुनियाद पर, अमले साले की बुनियाद पर, गलतियों पर तौबा की बुनियाद पर अल्लाह ताला जिसका तूने इनसे वादा किया है। दूसरी तीसरी दुआ और चौथी दुआ कहते हैं वमन सलहा मिन आबाहिम वाज़वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम, अल्लाह सिर्फ इन खुश नसीबों को जन्नत में दाखिल ना कर, बल्कि इनके जो बाप दादा हैं, मिन आबाहिम वमन सलहा मिन आबाहिम, उनके जो बाप दादा नेक थे और उनकी जो बीवियां नेक थी और इनकी जो औलाद नेक थी, आने वाली पीढ़ियां बेटे पोते जो नेक लोग थे, अल्लाह ताला सबको उस जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे जो हमेशा रहने वाली है। जो नेक लोग हैं आदमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और मुहद्दिसीन के अकवाल इस बात को बड़ी सराहत के साथ बयान करते हैं कि बाप जो है अपनी नेकी की बुनियाद पर, घर का जिम्मेदार बाप अपनी अच्छाइयों की बुनियाद पर, अपनी इबादत की बुनियाद पर बहुत ऊंचे वाले जन्नत पर, जन्नत के 100 दर्जात हैं, बाप जो है वो ऊपर वाले दर्जे में चला गया है, जन्नत का टॉप लेवल उसको मिल गया, उसकी अकीदा वैसा था, उसका ईमान वैसा था और उसके अमाले सालिह ऐसा थे, लेकिन जो उसके बाप थे, उसके दादा थे, उसके परदादा थे या उसकी जो औलाद थी, उसकी जो बीवी थी, उनकी इबादतें उस लेवल की नहीं थी कि उनको ऊपर वाले दर्जात में ले जाए, बस नीचे वाले दर्जात के मुस्तहिक थे, अल्लाह ताला उनको डाल दिया नीचे वाले दर्जात में। अब ऊपर वाले जो 100 पे पहुँचे जन्नतुल फिरदौस के अंदर या उसके नीचे, अल्लाह दुनिया के अंदर मैं नेक था, मेरे बाप भी नेक थे, मेरे दादा भी नेक थे, हमारा पूरा खानदान नेक लोगों का था, हमारी औलाद, हमने अपनी औलाद की नेक तरबियत किया था, अल्लाह ताला हमारी औलाद का क्या होगा, यहाँ जन्नत में दिख नहीं रहे। अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अकायद इस लायक थे कि तुमको लास्ट वाले यानी फर्स्ट फ्लोर पर डाल दिया गया है, एकदम टॉप लेवल पर तुमको पहुँचा दिया है, लेकिन तुम्हारे अपने बाप दादा का जो मामला था, तुम्हारे जो बीवियों का मामला था, तुम्हारी जो औलाद का मामला था, ऐसा नहीं था, थे वो नेक लेकिन इस लेवल के नहीं थे। फिर अल्लाह जन्नत में आने का फ़ायदा किया, जब बाप को ना देखने को मिले, ना अपनी औलाद को देखने को मिले, आँखों से देखकर औलाद को ठंडक होती है, अल्लाह ताला जन्नत की तमाम नेमतें बहुत अच्छी हैं लेकिन अपनी फैमिली से मैं महरूम हूँ, अल्लाह ताला उसका कुछ इंतज़ाम, अल्लाह ताला क्या करेगा, ये फरिश्तों की दुआओं का नतीजा होगा, उसकी औलाद को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके बाप दादा को नीचे वाले फ्लोर से उठा के ऊपर वाले फ्लोर में पहुँचा देगा और पूरा खानदान एक साथ हो जाएगा। अब वो आदमी सोचेगा अल्लाह ताला जन्नत की आंखों का ठंडक अब हमको महसूस हुआ कि हमारी अपनी फैमिली यहाँ पे आ गई, हमारे बाप आ गए, दादा आ गए, बेटे आ गए, पोतियाँ सब इसके अंदर जमा हो गए मेरे भाइयों। तो फरिश्ते देखिए क्या दुआएं कर रहे हैं, वो मन सलहा मिन आबाहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, अल्लाह ये तेरे जो नेक बंदे हैं इनके बाप दादा में से और इनकी बीवियों में से और इनकी औलाद में से, इनके बेटे पोतों में से जो अल्लाह ताला नेक थे ना, इनको भी उसी जन्नत के अंदर पहुँचा दे एक साथ, इनको घर छे, इनके आमाल इस लायक नहीं थे, इतने नेकियां इनकी नहीं थी कि उस दर्जा तक पहुंच जाते, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी तो अपने रहम करम से उनको वहां तक पहुंचा दे ताकि तेरे जो नेक बंदे हैं उनकी आंखों को मुकम्मल तरीके से ठंडक महसूस हो।
انک انت العزیز الحکیم, اللہ یہ دعائیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ تو عزیز ہے, تیرے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا, تو اگر داخل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, حکیم, اور اللہ رب العالمین تیرا ہر کام حکمت سے پر ہے. اب میرے بھائیو اس آیت کریمہ کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وقہم سیاد, اے اللہ یہ ہم جو تیرے نیک بندے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لے. اس لیے اللہ کے جو مقرر ترین بندے ہوتے ہیں میرے بھائیو, آپ سوچتے ہوں گے نا کہ گناہ کا چانس ملنے کے بعد یوسف گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے صحابہ کرام, بہت سارے ایسے نیک لوگ, آپ خود اپنے میں سے بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ان کو گناہ کرنے کا پورا چانس مل جاتا ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے پتہ نہیں کیا انتظام ہوتا, غیبی انتظام ہوتا ہے کہ آدمی اس گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے گناہ کے دروازے کھل گئے, لذتیں حاصل کرنے کے دروازے کھل گئے, پھر بھی وہ اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہے. اس لیے وہاں فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کرنے کے کاموں سے بچا لے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کا ہڑپ کرتے ہیں تو ان کو وہ سکسیز ہو جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, یعنی کسی کا بےمانی کرتے, کسی کا ڈاکہ ڈالتے, کسی کو الو بناتے تو دنیا میں ترقی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک روپیہ کسی کا بےمانی کرتے ہیں تو دو روپیہ دوسرے راستے سے ان کا اپنا نکل جاتا ہے, دس روپیہ کسی کا لے لیے بےمانی کر کے تو سو روپیہ ادھر کہیں سے نکل جاتا ہے دوسرے راستے, نکال دیتا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے تاکہ بےمانی نہ کرو, دو روپیہ ہے اسی کو رہنے دو, ورنہ دو اگر بےمانی کرو گے کسی سے تو چار تمہارا نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو میرے بھائیو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے فرشتے ایسے خوش نصیبوں کے لیے کس طرح جامع دعائیں کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے, اسی طرح ان کے درجات کی بلندی کے لیے, اور ان کی خود ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. اسی طرح میرے بھائیو وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگ جو دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ صرف علماء کا طبقہ نہیں ہے, یہ صرف محدثین کا طبقہ نہیں ہے, ہاں یہ اس میں سر فہرست ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ پبلک جو ہے, جو عوام ہے جن کا کام اپنا کاروبار کرنا, بزنس کرنا, تجارت کرنا, وہ اس لائق نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی بندہ دوسروں کو بھلی باتیں بتاتا ہے, خیر کی باتیں بتاتا ہے, خیر کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آسان ہے, آپ اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کیا کریں, دوسروں کی بدخائی چاہنے کے بجائے, دوسروں کا برا چاہنے کے بجائے, جان بوجھ کر کے ان کو اندھیرے میں ڈالنے کے بجائے, آپ اس حدیث کے مطابق اس بشارت کو پانے کے لیے کہ اللہ کے فرشتے میرے لیے دعائیں کریں گے, کسی آدمی کو بھلی بات بتا دیں, خیر کی دعوت دے دیں, بھلی بات بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض, ایک لمبی روایت ہے, اس روایت کا ٹکڑا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے, یعنی ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, جاہل ہے لیکن عبادت کا جذبہ بہت ہے, متقی پرہیزگار اپنے آپ کو بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک عابد ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو عالم ہے دن رات لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا ہے. اللہ کے رسول ان میں سے کون سا بہتر ہے, یہ عابد بہتر ہے اللہ کی نظر میں, یہ عالم بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے عالم اور جاہل کا مقابلہ ہی کیا ہے, یہاں عالم کا مقام یہ ہے جو دوسروں کو علم دیتے ہیں, علم بانٹتے ہیں, خیر بانٹتے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض, اللہ رب العالمین اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسمان والے اور تمام زمین والے, حتی النملتا, یہاں تک کہ چوٹی, فی جوہریہا, اپنے بل کے اندر, اللہ اس کے فرشتے, آسمان والے, زمین والے, حتیٰ کی چونٹی اپنے بل کے اندر, وحتی الحوتا, یہاں تک کی سمندر کی مچھلیاں بھی, پانی کی تہ میں بیٹھی ہوئی مچھلیاں بھی, لیسلون علی معلم الناس الخیرات, اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے, آسمان والے فرشتے, زمین والے انسان, مچھلیاں پانی کے اندر, چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر, لیسلون علی معلم الناس الخیرا, لوگوں کو خیر بتانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تم عابد اور عالم کی بات کر رہے ہو, عالم کے مقام کو خالص عابد جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے, اس لیے کہ خیر جو لوگوں کو خیر بانٹتا ہے, لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے, بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے, خیر
की तरफ बुलाता लोगों को, उसका मामला ये होता है कि पूरी कायनात उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत का सवाल करती है। सोचें, हम लोग पढ़ते हैं हदीसें तो कहते हैं, जब इमाम सही बुखारी पढ़ते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, और इमाम बुखारी ने जितनी बार लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, उनको कितना सवाब मिल रहा होगा। हमने इमाम बुखारी को देखा नहीं, लेकिन उनकी किताबों को जो हम पढ़ते हैं, चूंकि उन्होंने खैर को फैलाया है, खैर को दुनिया के अंदर आम किया है, हदीस से ज्यादा खैर की बात क्या हो सकती है, और सही बुखारी से जामे और खैर की बात क्या हो सकती है। तो उस आदमी को जो खैर की तरफ लोगों को बुलाता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरे भाइयों, जो फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, एक तो इत्तबाए किताब सुन्नत का शहदाई, और फिर गलती होने पर तौबा करने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, और दूसरे वो लोग जो दूसरों को खैर की तरफ दावत देते हैं। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि जब यानी फरिश्ते किन लोगों के लिए रहमत की दुआएं, मगफरत की दुआएं, दर्जे की बुलंदी की दुआएं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को ऐसे आमाल करने की तौफीक अदा फरमाए जिनकी वजह से हम अल्लाह ताला तेरे मुकर्रब तरीन फरिश्तों की दुआओं के हकदार हो सकें। ऐसे लोगों के ज़ुमरे में अल्लाह ताला शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। आमीन। अकुल कौली हादा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।